गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आप जो है सब लोग ध्यान से अभी हमारी पढ़ाई की तरफ बढ़ेंगे आगे। हम लोग 12th स्टेट बोर्ड का सिलेबस को शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर अपना। और 12th स्टेट बोर्ड में आपको जो चैप्टर्स है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए स्क्रीन पे, ये हमारा सिलेबस है न्यू पैटर्न का, जो नया सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस में हमको ये इतने सारे चैप्टर्स जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन चैप्टर है हमारा और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ एनपीओ एक बीच में आ गया इनके सिक्वेंस में, ये एनपीओ बीच में आ गया, ये लिंक्ड है, बाकी 1, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 ये लिंक्ड चैप्टर्स है, ठीक है। देन वी हैव अ स्मॉल चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमारे चैप्टर्स है। तो अपन फिलहाल शुरुआत यहां से कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कहां से कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से जो है हमारे सिलेबस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब क्या है ना दोस्तों। अपन सब लोग ओवरऑल इन जनरल हम लोग एक टर्म बहुत गलत बोलते हैं, वैसे तो बहुत सारी टर्म्स गलत बोलते हैं, लेकिन एक टर्म तो हम बहुत ही गलत बोलते हैं, है ना, क्या, कौन सी टर्म, बिल। बिल का मतलब भी हम समझ नहीं पाते। आपको पता है बिल का मतलब क्या होता है, एनीवन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बिल, बिल का मतलब क्या होता है ना, पेट्रोल भरते तो भैया को क्या मांगते, भैया बिल देना, पेन पेंसिल स्टेशनरी लेते बोलते हैं बिल देना, एक्चुअली ये गलत वर्ड आप यूज करते हो। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट, बिल का क्या मतलब होता है, ड्राफ्ट, है ना, ड्राफ्ट मतलब कच्चा फॉर्मेट। जैसे हमने बिल बुक बोला, क्या ये भी वर्ड गलत है, नहीं वो एकदम सही वर्ड है, बिल बुक। बिल बुक में क्या है, कोरे बिल है जो फॉर्मेट बना हुआ है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, जीएसटी, वीएसटी, दिस दैट सब, वैसा एक हमारा फॉर्मेट बना है। और ऐसे मल्टीपल फॉर्मेट्स एक बुक में हमने बाइंड करके रखे हैं, उसको फाड़ फाड़ के देंगे, तो उस बुक को बिल बुक कहते हैं, ये सही है। लेकिन जो बिल मैं बना चुका हूं, जिसपे कंटेंट आ गए, साइन कर दिया, अब वो फाड़ के मैं आपको दे रहा हूं, तो ये बिल है क्या, नहीं वो बिल नहीं है, वो इनवॉइस बन जाता है। क्या बन जाता बेटा, इनवॉइस, इनवॉइस है, कैश मेमो हो सकता है, अपन ने सोर्स डॉक्यूमेंट पे डिटेल चर्चा की है 11th में, तो वो कैश मेमो हो सकता है, वो इनवॉइस हो सकता है, लेकिन वो बिल पक्का नहीं, क्योंकि उसमें कुछ लिखा गया है। टेक्निकली, नॉट प्रैक्टिकली, टेक्निकली अगर आपने बोला भैया बिल देना, तो उसे क्या करना चाहिए, कच्चा फॉर्मेट जो खाली ब्लाइंड फॉर्मेट है वो फाड़ के आपको दे देना चाहिए, वो बिल है। तो यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब वो कि इनवॉइस कोई बिल, उसकी बात हम नहीं कर रहे। आपने सुना होगा ना, फाइनेंस मिनिस्टर फरवरी में क्या करता है, फाइनेंस बिल प्रेजेंट करता है। तो फाइनेंस बिल मतलब कोई इनवॉइस है क्या, कोई बिल है क्या, नहीं, बिल का मतलब है ड्राफ्ट। वो फाइनेंस बिल पे चर्चा होके दोनों हाउसेस में उस पर डिसीजन होके वो बिल पास होके जब प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के असेंट लिया जाता है, जब प्रेसिडेंट पे सिग्नेचर करता है, तो वो फाइनेंस बिल क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो बिल का मतलब है ड्राफ्ट, और यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है ये अपन समझेंगे। लेकिन ये क्या है समझने के पहले हम ये समझेंगे कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए, मैं दिल्ली गया और दिल्ली में मुझे जो है, मैंने सोचा चलो नया बिजनेस किया जाए, ये लॉकडाउन सवा साल हो गया लॉकडाउन ही चल रहा है अपना, है ना, पता चला पूरा टीचिंग का बिजनेस ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने। तो मैंने सोचा चलो बिजनेस चेंज करना चाहिए अपन ने, ये प्रोफेशन था मेरा टीचिंग, अब बिजनेस करना चाहिए अपन ने। तो मैंने सोचा कि चलो अपन लाइट्स, शैंडेलियर्स और उस पे जो है बिजनेस डालते, रिटेल शॉप डालते नागपुर में, ऐसा मैंने सोचा। तो ठीक है, उसके लिए मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मुझे जो है
बहुत बड़ा मार्केट है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, वहां पे चले गया और मैंने एक बहुत बड़ी शॉप देखी लाइट हाउस करके, मैं उसमें घुस गया और मैंने बहुत सारी चीजें लिया, ये दे देना वो दे देना, ये लैम्प दे देना वो बल्ब दे देना, ये फलाना शैंडलियर दे देना, ये झूमर दे देना, जो भी सब कुछ खरीदा। और फिर काउंटर पे आया, और काउंटर पे आया तो यू कुछ थोड़ा सा पहचाना पहचाना सा बंदा लग रहा था, गौर से देखा तो वो तो याकूब था। ओहो, ये बिजनेस याकूब का है, होलसेल बिजनेस कर रहा है दिल्ली में, क्या बात है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। याकूब को मैंने सारे गुड्स वो जो है बिल करने बताया, याकूब ने बिल कर दिया, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा उसको मेरे को देख के, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा उसको देख के, बाप रे याकूब इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया दिल्ली में, इतना होलसेल का बिजनेस करता है, करोड़ों का जो टर्नओवर है उसका, वाह 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 याकूब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। याकूब को भी अच्छा लग गया। अब याकूब के असिस्टेंट ने बिल बना दिया, वो बिल हुआ ज्यादा नहीं, छोटा मोटा 2 लाख रुपए का बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा गया याकूब, याकूब के लिए 2 लाख रुपए कहाँ ज्यादा, याकूब छीकेगा 2 लाख गिर जाते, कोरोना में छीकना बाबा, लोग पहले भर्ती कर देंगे, है ना। तो खैर, तो बात ऐसी हुई कि 2 लाख रुपए का बिल बना, लेकिन हम गप्पा मारने में इतने व्यस्त थे कि वो बिल उसने उसके असिस्टेंट ने उसको दे दिया याकूब को, और याकूब के हाथ में बिल है और मैंने गुड्स सब पैक करवा लिए, मैं याकूब को फाइनल बाय बाय कर रहा हूँ, अच्छा याकूब बाय यार, अच्छा लगा तेरे को मिलके, और गुड्स खींच रहा हूँ, याकूब गुड्स पकड़ के बैठा, छोड़ ही नहीं रहा है गुड्स, छोड़ ही नहीं रहा है गुड्स, मैं खींच रहा हूँ याकूब, छोड़ ही नहीं रहा है गुड्स, क्यों नहीं छोड़ रहा याकूब, क्या बोलेगा बेटा धीरे से बोल, बोल दे बोल दे, माइक अनम्यूट कर ले, बोल दे, पेमेंट, बरोबर, धीरे से, सर वो गुड्स तो आप ही के हैं सर, वो पेमेंट, पेमेंट बोलते बराबर, मैं एकदम बेचारा उदास हो गया, क्या यार याकूब पहचानता नहीं मुझे, तू 2 साल पढ़ा है याकूब, तेरे को मैंने 11th 12th अकाउंट्स में याद है 100 out of 100 मारे थे तूने, 2 साल पढ़ा है तेरे को, कंजरे तू बिल मांग रहा मेरे को, पैसा मांग रहा मेरे को, मैं यार पैसे दूंगा नहीं तेरे को, ऐसा लगा तेरे को किसी का 1 रुपया नहीं डूबा मैंने आज तक, अरे सर 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 मुझे ऐसा थोड़ी कहना था सर, हाँ ये बात हुई, फिर मैं उसको बता रहा, देख यार याकूब टीचिंग ने तो पूरा फ्लैट कर दिया, लोग पैसे नहीं भर रहे, एडमिशन नहीं ले रहे, स्कूल में नहीं जा रहे, ट्यूशन में नहीं जा रहे, पूरा सत्यानाश हो गया। अब भाई मैं नया बिजनेस करना चाहता हूँ, कोरोना खुल गया, लॉकडाउन खुल गया, नया बिजनेस करना चाहता हूँ लाइट का, देख मैंने एक दुकान ली है रेंट पे भैया, वहां पे मैं गुड्स रखूंगा बेचूंगा, 2-4-5 महीने में गुड्स बिकेंगे तो तेरे को पैसा ला के दूंगा, तब तक मेरे पास पैसा नहीं है, अब बोलो क्या करोगे सर, चेक दे दो, पीडीसी 3 महीने का ही रहता है, 3 महीने मेरे पास पैसा आने नहीं वाला, पोस्ट डेट चेक का कोई फायदा नहीं, डेबिट कार्ड के गरीब मनुष्य पास है ही नहीं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है लेकिन बैंक में 5 करोड़ बैलेंस है तो डेबिट कार्ड कुछ काम का नहीं है, तो याकूब करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, अभी आपका कॉल, क्या करोगे आप बताओ, व्हाट इज योर डिसीजन याकूब, टेल मी, बोलो ना याकूब, आई एम कंफ्यूज, सो आई एम, क्या करेंगे, गुड्स देगा मुझे कि नहीं देगा, सब भरोसा है इसलिए दे दूंगा, भरोसा है इसलिए दे देगा, थैंक यू सो मच ऐसा बोलने के लिए, अच्छा लगा मुझे, क्या बात है सुनके, चलो भरोसा तो रखा आपने, हाँ सही है, भरोसा है, पहचानता है, थोड़ा बहुत पढ़ा है सर से, लेकिन याकूब सेटल हुआ है, याकूब का बिजनेस है दिल्ली में, मैं गुड्स लेके जाने वाला हूँ नागपुर में, गुड्स में अभी लेके जा रहा हूँ, 2 लाख रुपए गुड्स है, डूब गए तो ये दिमाग में होगा ना याकूब कि नहीं है, डेफिनेटली है, इसका मतलब यहाँ क्या करे, तो फिर बेटा याकूब को याद आया, गौर से सुनो रे गवालो, फिर याकूब को याद आया, अरे सर एक काम करते ना सर, वो छोटी सी बात है सर, कोई बड़ी बात है, आपको गुड्स ले जाने, बिल्कुल सर आप ही की दुकान है सर, आप ही ने तो पढ़ाया मुझे सर, तो क्या प्रॉब्लम है सर, बिल्कुल दे दूंगा आपको गुड्स, याकूब क्या करेगा, फट से एक जो है वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेगा, वो वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या करेगा, वो लिखेगा आई विराग मिटकरी एग्रीज टू पे सम ऑफ ₹2 lakh ऑन दी आफ्टर 6 months फ्रॉम दी साइट और फ्रॉम दी डेट ऑफ बिल्स साइन बिलो वगैरह वगैरह, और खुद जो है यहाँ पे मेरा नाम डालेगा टू विराग मिटकरी, सब लिखने मेरा एड्रेस एड्रेस लिख देगा, यहाँ खुद का लिखेगा याकूब घानी वाला है ना, हाँ याकूब घानी वाला, ठीक है, और खुद साइन कर देगा और मेरे सामने रख देगा, मेरे सामने रख देगा, यहाँ स्टैंप वैम्प लगा देगा स्टैंप, ये क्या बनाया याकूब ने, ये याकूब ने एक ड्राफ्ट बनाया, क्या बनाया, ड्राफ्ट,
ड्राफ्ट काय का बनाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट बनाया. क्या बनाया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट बनाया. ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट याकूब मेरे सामने रखेगा. सर पट से प्रिंट निकालेगा, सर ये साइन कर दो बस. आपने सिखाया था सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बस वही है, साइन कर दो सर. इंटरेस्टिंग. याकूब ने ड्रॉ किया, मेरे सामने रख दिया. तो फिलहाल तो ये ड्राफ्ट है, फिलहाल तो क्या है, ये ड्राफ्ट है. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने भी इस पे लिख दिया एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड करके मैंने साइन कर दिया, एक्सेप्टेड करके मैंने साइन कर दिया. अब ये ड्राफ्ट नहीं रहा, अब ये बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लीगल डॉक्यूमेंट बन गए, निगोशिएबल डॉक्यूमेंट बन गया. और ये डॉक्यूमेंट मैं साइन करके दे दूंगा याकूब को. गौर से सुना, इसका बैकग्राउंड सुनोगे तो आगे एंट्री बहुत सिंपल रहेगी. ये डॉक्यूमेंट मैं दे दूंगा याकूब को. याकूब को इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसे लेने के है, रिसीवेबल. इसलिए याकूब इसे बिल्स रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल कहेगा, सिंगुलर तो बिल, बिल रिसीवेबल कहेगा. कौन? याकूब. और इसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट मुझे तो पेएबल है 6 महीने के बाद, तो मैं इसको बिल पेएबल बोलूंगा. क्या बोलूंगा? बिल पेएबल. और ये डॉक्यूमेंट रहेगा किसके पास? याकूब के पास रहेगा. इसमें मैंने 6 मंथ का पीरियड लिखा है, तो 6 मंथ के लिए ये याकूब के पास रहेगा. 6 मंथ के बाद याकूब मेरे पास आएगा और मुझे डॉक्यूमेंट दिखाएगा, सर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपने एक्सेप्ट किया है. ओके, मैंने एक्सेप्ट किया है, गुड सर, पैसा दे दीजिए. और मैंने पैसा दे दिया तो ये बिल क्या हो जाएगा? ऑनर. क्या हो जाएगा बेटा? ऑनर. पैसा दे दिया मतलब बिल ऑनर हो गया. जैसे चेक होता है ना, चेक ऑनर होता है, डिसऑनर होता है, बस वैसे मैंने पैसे दे दिया तो चेक ऑनर. लेकिन 6 महीने के बाद जब याकूब नागपुर आया बिल को लेके दिखाने के लिए, सर आपका बिल है 2 लाख रुपए. मैंने बोला कौन तू? हाँ याकूब भानी बात यहाँ से बदमाश, नहीं दूंगा कोई पैसे. अरे पहले पैसे लिए, उधारी लिए, अब सीना चोरी कर रहे, मुजोरी कर रहे. ठीक नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा फादर, क्या करना कर ले. अरे तो मजूरी हो गई, मजूरी नहीं करनी थी. बट सपोज मैंने पैसे नहीं दिए, जेन्युइनली नहीं दिए, नहीं दिए यार याकूब, मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है यार याकूब, बिजनेस चला ही नहीं, बंद ही बंद रखा है गवर्नमेंट ने, दुकान चालू करने की परमिशन ही नहीं, 4-4 साल तक सब बिजनेस बंद, सबको कटोरा लेके घूमने अभी नहीं है पैसे, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड. क्या हो गया? बिल डिसऑनर्ड. बरोबर है. लेकिन बिल डिसऑनर हो गया तो फिर लीगल कॉम्प्लिकेशन शुरू हो सकते हैं, याकूब मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शंस ले सकता है, नो डाउट. तो इस सारे मानजरे को हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्या कहते हैं? बोलो रे. बिल्स ऑफ एक्सचेंज. गुड 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 गुड. तो जाइए थ्योरी में, थ्योरी पार्ट. कॉपी बनाने को बोला था याद है? कॉपी में थ्योरी पार्ट में जाइए, हेडिंग डालिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज. कॉपी में थ्योरी पार्ट में जाइए, हेडिंग डालिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज. लिखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 of the Negotiable Instrument Act. Negotiable Instrument Act 1881. बाप रे बाप, प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले का, ब्रिटिशों ने बनाया होगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ एक्ट 1881, पैराग्राफ नीचे लिखना है. A bill of exchange is an instrument in writing. A bill of exchange is an instrument
इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of a certain person or to the bearer of the instrument or to the bearer of the instrument to the bearer of the instrument कुछ समझा क्या हुआ क्या बोलते देखो बिल ऑफ एक्सचेंज इन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होना चाहिए ओरल नहीं होना चाहिए लिख के होना चाहिए प्रिंट आउट होना चाहिए चलेगा राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर कंडीशन नहीं होना चाहिए 6 महीने के बाद अगर मेरा माल बिका तो पैसे दूंगा अगर मगर की बात आ गई नहीं 6 महीने में पैसे देना ही है माल बिका या नहीं बिका फर्क नहीं पड़ता अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर जो ये बना रहा है उसके साइन होना चाहिए डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन किसी व्यक्ति को डायरेक्ट करना चाहिए उसने टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू अ सर्टन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन इसलिए यहां पे वैसा लिखा है ओनली टू उसको पढ़ते समय ऐसा पढ़ना है ओनली टू अ सर्टन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन मतलब मैंने बोला याकूब को देना है याकूब ने बोला मुझे देना है तो मैं याकूब को दूंगा याकूब बोला मुझे बजा इसको देना है फलाने फलाने व्यक्ति को देना तो उसको दूंगा कोई दिक्कत नहीं या और हो सकता है और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में होगा उसको देना है चलेगा नो प्रॉब्लम मतलब इन शॉर्ट उस पेज के अगेंस्ट उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट मुझे पैसे देने हैं बस खत्म कर सही है इसलिए डेफिनेशन बन गई एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कुछ समझा क्या डेफिनेशन समझा अब ये क्या लीगल लैंग्वेज है इसलिए डेफिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है आपको हाउएवर हरकत नहीं दो चार बार पढ़ोगे तो आपको सिंपल लगने लगेगी और जब इसको समझोगे अकाउंटिंग समझोगे तो डेफिनेशन और भी आपको सिंपल लगेगी तो पहले तो ये बात समझो कि यहाँ क्या हुआ कि भाई ये बिल जो है ये एक ड्राफ्ट बनाया किसने बनाया याकूब ने बनाया और ये ड्राफ्ट बना के मेरे सामने रखा इस पे लिखा कि मैं याकूब को 6 मंथ्स के बाद पैसे दूंगा और याकूब ने साइन कर लिया मैंने एक्सेप्ट करके मैंने भी साइन कर लिया और ये डॉक्यूमेंट याकूब को दे दिया इस डॉक्यूमेंट के याकूब को पैसे मिलने वाले हैं इसलिए याकूब इसको क्या कहेगा बिल्स रिसीवेबल कहेगा मुझे पैसे देने के हैं इसलिए मैं क्या कहूंगा बिल्स पेबल कहूंगा इसकी बात समझ गई पक्का गुड चलो अभी सिर्फ मेरे जगह मैं यहाँ पे रोहित को ले लेता हूँ मतलब अकाउंटिंग करने आपको सिंपल हो जाएगा एक है याकूब और एक है रोहित याकूब रोहित याकूब ने रोहित को गुड्स बेचे सेल किया पहला ट्रांजेक्शन सेल किया ₹50,000 का माल बेचा गुड्स बेचे और रोहित के पास पैसे नहीं थे फिलहाल तो रोहित ने क्या कर दिया रोहित ने याकूब को एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज 4 मंथ्स के लिए कि 4 महीने पैसे दे दूंगा है ना अब बिल ड्रॉ किसने किया
बिल बनाएगा कौन? ये ड्राफ्ट बनाया किसने? यहाँ पे ड्राफ्ट किसने बनाया? याकूब। हाँ करेक्ट करेक्ट, जिसको पैसे लेना है वो ड्राफ्ट बनाएगा, जिसको देने वो नहीं, जिसको पैसे लेने हैं वो ड्राफ्ट बनाएगा। तो याकूब ड्राफ्ट बनाएगा और रोहित उसको साइन करेगा, इसलिए याकूब को हम कहेंगे ड्रॉवर। क्या कहेंगे बेटा? ड्रॉवर, उसने ड्रॉ किया, इसलिए वो कौन बन गया? ड्रॉवर। समझा क्या? वो टेबल का ड्रॉवर नहीं है, ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर। ठीक है, तो याकूब बन गया ड्रॉवर और रोहित को क्या कहेंगे? ड्रॉई। क्या कहेंगे रोहित को? ड्रॉई। तो रिलेशनशिप समझो आपस की, याकूब ने बिल बनाया, रोहित को दिया, रोहित ने साइन करके याकूब को वापस कर दिया। बिल बनाया किसने? याकूब ने। तो याकूब बन गया ड्रॉवर, समझे क्या? और रोहित बन गया ड्रॉई क्योंकि उसने बिल साइन कर दिया। इन अदर वे, इन अदर एंगल, रोहित ने क्या किया? रोहित ने बिल को एक्सेप्ट किया। गौर से सुनो मेरी बात, रोहित ने क्या किया? रोहित को बिल को एक्सेप्ट किया, इसलिए रोहित हो गया एक्सेप्टर। रोहित कौन हो गया? एक्सेप्टर। और दिया किसको? याकूब को। तो याकूब कौन होगा? एक्सेप्टी। समझ में? यस। रोहित कौन हो गया? एक्सेप्टर। याकूब कौन हो गया? एक्सेप्टी। याकूब कौन है? ड्रॉवर। रोहित कौन है? ड्रॉई। रोहित कौन है? एक्सेप्टर। याकूब कौन है? एक्सेप्टी। समझ मेरी बात? ओके, यहाँ पेमेंट कौन करने वाला है फ्यूचर में? पेमेंट कौन करने वाला है? रोहित। रोहित को, रोहित को कहते हैं पेयर, पे करने वाला, पेयर। ठीक है, पी ए वाई ई आर। ठीक है, पेयर, वो पेयरिंग वाला पेयर नहीं है। तो रोहित को क्या कहते हैं? पेयर। और किसको पे करने वाला है फिलहाल? वो याकूब। याकूब क्या कहते हैं? याकूब को क्या कहेंगे? पेई। तो ऐसी रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है देखो जरा, ड्रॉवर ड्रॉई, एक्सेप्टर एक्सेप्टी, पेयर पेई। समझा? गुड। बिल कितने का है? 4 मंथ का है। तो 4 मंथ के बाद याकूब जाएगा रोहित के पास। कौन जाएगा किधर? याकूब जाएगा। क्यों सर, रोहित नहीं आएगा याकूब को पैसे देने? नहीं सर, ऐसा क्यों? निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा है। क्या लिखा है? Whoever is the bearer of the bill has to approach the drawer of the bill। सर नहीं समझा। Whoever is the bearer मतलब होल्डर ऑफ द बिल, जिसके हाथ में बिल होगा उसको ड्रॉई के पास जाना पड़ेगा और पैसा डिमांड करना पड़ेगा। पैसा डिमांड करना पड़ेगा। तो थर्ड एंट्री होगी, थर्ड ट्रांजेक्शन हो गया राजा, कि याकूब गया रोहित के पास, रोहित ने पैसा दे दिया। अगर रोहित ने पैसा दे दिया तो उसको बोलते बिल इज ऑनर्ड। क्या बोलते? बिल इज ऑनर्ड। और अगर रोहित ने बोला चल रे कौन तू, नहीं देगा पैसा, जा क्या कर रहा है कर ले, तो बिल का पैसा नहीं मिला तो बोलते बिल इज डिसऑनर्ड। बिल इज ऑब्वियसली दो में से एक ही होने वाला है, दोनों नहीं होने वाला है, आइदर ऑनर होगा या तो फिर डिसऑनर होगा, है ना? जैसे चेक, चेक का आइदर पेमेंट होगा या तो वो बाउंस होगा, दोनों हो सकता है क्या? चेक पेमेंट भी होगा और बाउंस भी होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। वैसे बिल का पेमेंट मिल गया तो ऑनर, नहीं मिला तो डिसऑनर, खत्म काम। सही है, समझे बात? और हमको क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। किसके बुक्स में? दोनों बुक में, याकूब के बुक में और रोहित के बुक में। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो प्रैक्टिकल में जाओ, पेज नंबर 11। प्रैक्टिकल में जाओ, पेज नंबर 11। और प्रैक्टिकल में जाके सबसे पहले वहां पे Romans 1 लिखो, Romans 1। ऊपर टाइटल ला दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और Romans 1 लिखो। वहां पे सब टाइटल ला लो नीचे, बिल इज रिटेन्ड, बिल इज रिटेन्ड। सब टाइटल ला लो, बिल इज रिटेन्ड। पहला वाला फंक्शन अपना बिल इज रिटेन्ड। और डायग्राम बना लो पटाख से, डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से।
बना लिया डायग्राम, उसके नीचे दो जर्नल बना लो, उसके नीचे दो जर्नल बना लो अलग अलग, दोनों की बुक्स बनानी है अपने को। इन द बुक्स ऑफ याकूब ब्रैकेट में लिखना ड्रॉवर, और इन द बुक्स ऑफ रोहित ब्रैकेट में लिखना ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ याकूब और इन द बुक्स ऑफ रोहित जर्नल एंट्रीज। क्या बनाना हमको? जर्नल एंट्रीज, दो अलग अलग जर्नल बना लो, लेफ्ट पेज पे एक, राइट पेज पे एक बनाया तो भी चलेगा, दो एक पेज पे वो छोटे छोटे हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पेज पे एक बना लो, एक राइट हैंड साइड पेज पे बना लो, दो जर्नल ड्राफ्ट कर लो प्रॉपरली। और ये इलस्ट्रेशन है तो इसमें डेट नहीं दी है, अगर डेट नहीं तो नंबरिंग करेंगे, जैसे ट्रांजिशन वैसे नंबरिंग करेंगे। तो नंबर वन इन द बुक्स ऑफ याकूब, पहला टर्न देखो क्या है, याकूब ने रोहित को माल बेचा 50,000 का, फर्स्ट ट्रांजिशन इज याकूब हैज सोल्ड गुड्स टू रोहित 50,000, इसलिए याकूब के बुक्स में क्या एंट्री होगी बताओ, माल बेचा किसको? रोहित को, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लिख दो रोहित अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000, रोहित अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000। नारेशन भी लिखना पड़ेगा, नारेशन लिखेगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, लिख दो नारेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ याकूब। माल खरीदा है रोहित ने, तो इन द बुक्स ऑफ रोहित भी एंट्री करना पड़ेगा पहली एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहित परचेसेस, उसने गुड्स खरीदे है, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट कितना 50,000, परचेसेस अकाउंट डेबिट 50,000, और पैसा देना है क्रेडिट द पर्सन टू हुम मनी इज पेबल याकूब, क्रेडिट द पर्सन टू हुम मनी इज पेबल याकूब्स अकाउंट, याकूब को पैसा देना बाकी है। Being goods purchased on credit. Narration क्या आएगा? Being goods purchased on credit. Being goods purchased on credit. समझ गए? पहले एंट्री हो गई, पहला ट्रांजेक्शन, उसकी एक एक एंट्री दोनों के बुक्स में हो गई, कोई डाउट किसी को? गुड्स खरीदा, उसके बाद रोहित ने पैसे नहीं दिए, पैसे के बजाय क्या दिया? बिल दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज याकूब ने ड्रॉ किया, रोहित के सामने रखा, रोहित ने उस पर सिग्नेचर कर दी और याकूब को वापस कर दिया। जब रोहित के सामने बिल रखा गया तो वो तो पन्ना था, उसमें कोई लॉजिक नहीं था, पीस ऑफ पेपर है, प्रिंट आउट है बस, लेकिन जब रोहित ने साइन कर दिया तो उसको वेटेज आ गया, वो क्या बन गया? लीगल इंस्ट्रूमेंट बन गया, जिसको हम कहते हैं लीगल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो रोहित ने याकूब को दिया, इसलिए याकूब के बुक्स में होगी दूसरी एंट्री, उसको बिल मिला रोहित से, क्या मिला उसको? बिल मिला रोहित से, इसलिए याकूब एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इस बिल के अगेंस्ट पैसे लेने हैं और पैसे लेने हैं इसको डेबिट करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
50,000 और ये दिया किसने, हु इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, रोहित, तो आएगा टू रोहित अकाउंट, ही इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, उसने बिल दे दिया। एंट्री क्या बना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, नरेशन क्या है, बिंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, या बिंग बिल रिसीव्ड बोलो तो चलेगा, रोहित ऊपर दिख रहा है, बिंग बिल रिसीव्ड या बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड, बिंग बिल रिसीव्ड या बिंग बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड, समझ में बात। अब दूसरी एंट्री रोहित के बुक्स में क्या होगी, दूसरी एंट्री रोहित के बुक्स में, रोहित ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब फ्यूचर में लायबिलिटी उसके अगेंस्ट उसको पे करना है, और ये बिल किसको दिया उसने, याकूब को, हु इज द रिसीवर ऑफ बिल, याकूब, लिखो याकूब्स अकाउंट डेबिट, ही इज द रिसीवर ऑफ मनी, मनी रादर बिल नॉट मनी, याकूब्स अकाउंट डेबिट, और इसके अगेंस्ट हमको पेमेंट करना है फ्यूचर में, जिसको बोलते हैं बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, और याकूब्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ये हुआ हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन। समझ गए? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब थर्ड ट्रांजैक्शन क्या हुआ, वो बिल रिटेन कर दिया गया, रिटेन मतलब बिजनेस में रख दिया याकूब ने उसको, और ड्यू डेट पे वो बिल याकूब लेके गया रोहित के पास, ड्यू डेट पे वो बिल याकूब लेके गया रोहित के पास। अब रोहित के पास ले जाना, दो चीजें हो सकती है, एक तो बिल ऑनर हो सकता है या तो फिर डिसऑनर हो सकता है, हमको दोनों की एंट्री मार के देखना है, आइदर दिस और दिस वाली, इसलिए थर्ड एंट्री सबसे पहले, थर्ड एंट्री ये हम रोहित के बुक्स में करने जा रहे हैं, रोहित के बुक्स में थर्ड एंट्री फॉर ऑनर ऑफ बिल, अगर बिल ऑनर होता ऐसा मानते अपन तो रोहित क्या करेगा। अब देखो रोहित के लिए वो लायबिलिटी तो खत्म होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम की, क्योंकि बिल्स पेबल मैच्योर हो गया, उस पर लिखा था 4 months, तो 4 months के बाद वो बिल क्या हो गया, मैच्योर हो गया, एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, तो ये जो लायबिलिटी हमारे बुक्स में रखी है रोहित ने, ये लायबिलिटी को फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा, जो बिल तो खत्म हो गया, चाहे आपने पैसे दिए होंगे चाहे नहीं दिए होंगे, बिल का ड्यूरेशन कितना था, बिल का ड्यूरेशन था 4 months का, और 4 months हो गए, तो ये बिल पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए व्हाट वी विल डू, हम सबसे पहले इस लायबिलिटी को फिनिश करेंगे, हम बोलेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 50,000, बिल्स पेबल की लायबिलिटी खत्म हो गई और उसको हमने डेबिट कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 50,000। कैश दिया क्या याकूब को, हाँ ऑनर क्या मतलब कैश दे दिया, कैश दिया इसलिए एंट्री होगी टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, रियल अकाउंट का रूल, तो बिल्स पेएबल नाम की लायबिलिटी फिनिश हो गई, इसलिए बिल्स पेएबल को हो गया डेबिट और कैश को हो गया क्रेडिट, कैश हमारी चली गई। नरेशन लिखो बिंग बिल ऑनर्ड, नरेशन लिखो बिंग बिल ऑनर्ड, ऑनर किया हमने, पैसे दे दिया, ये पैसा किसको मिला, याकूब को मिला, तो याकूब के बुक में भी ऑनर की एंट्री होगी, यस याकूब के बुक में भी ऑनर की एंट्री होगी, क्या होगी, याकूब को पैसा मिला, वो कहेगा कैश अकाउंट डेबिट 50,000, याकूब को 50,000 रुपए मिले,
कैश अकाउंट डेबिट 50,000 तो और हाँ ये जो बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट था अब वो खत्म हो गया क्योंकि 4 महीने हो गए तो इसको फिनिश करना पड़ेगा, डेबिट को हटाना पड़ेगा, तो डेबिट को हटाने तो क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, इसलिए आएगा टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 50,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000, नारेशन लिख देना बिंग बिल ऑनर्ड, बिंग बिल ऑनर्ड, समझ गए बच्चों ऑनर की एंट्री कैसे होगी? यस सर, यस सर। तो यहाँ क्या हुआ, याकूब ने माल बेचा उसको अकाउंट फॉर कर लिया हमने, रोहित ने बिल दे दिया उसको भी अकाउंट फॉर किया हमने, और याकूब ने ड्यू डेट पे बिल रोहित को सबमिट किया और रोहित ने उसका पेमेंट कर दिया, ये सारी चीजें हमने अकाउंट फॉर कर ली, राइट। अब एक और बात हो सकती है कि अगर रोहित ने पैसा देने से इनकार कर दिया, नहीं दूंगा पैसा, तो बिल क्या हो जाएगा डिसऑनर, तो डिसऑनर के केस में क्या एंट्री होगी ये भी हमको देखना पड़ेगा, लेकिन यहां पहले लिखो और, क्या लिखो और, मतलब थर्ड एंट्री आइदर ऊपर वाली होगी या तो फिर नीचे वाली होगी, और थर्ड एंट्री को रिपीट करेंगे इन द मैनर ऑफ डिसऑनर, अगर डिसऑनर हुआ तो क्या। तो देखो एक बात तो तय है, क्या तय है, बिल का लाइफ कितना था 4 महीने का, 4 महीने खत्म हो गए मतलब बिल क्या हो गया एक्सपायर हो गया, अगर बिल एक्सपायर हो गया तो ये जो बिल्स पेबल हमने अकाउंट फॉर करके रखा है इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा, और क्रेडिट को खत्म करना है मतलब क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट को फिनिश करना है, लायबिलिटी है लायबिलिटी को फिनिश करना है तो क्या करना पड़ेगा डेबिट, मतलब चाहे ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो बिल्स पेबल तो डेबिट होगा ही, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 50,000, क्यों डेबिट हुआ ये, हमने पेमेंट तो नहीं किया, नहीं किया होगा लेकिन बिल तो मैच्योर हो गया ना, बिल तो एक्सपायर हो गया ना, बिल तो खत्म हो गया ना, तो खत्म हो गया तो क्या करना पड़ेगा उसको हटाना पड़ेगा बुक्स में से, लायबिलिटी में से हटाना पड़ेगा, तो बिल्स पेबल में सेकंड एंट्री में हमने क्रेडिट करके रखा है तो अभी वो क्रेडिट को हटाना है, तो हटाना इसलिए क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया डेबिट कर लिया, सही है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, पैसे दिए क्या, नहीं, डिसऑनर हो गया, नहीं दिए, देने के है, नहीं दिए पैसे, देने के, किसको देने के, याकूब को देने के, क्रेडिट द पर्सन टू हुम मनी इज पेबल, रूल्स याद है सारे, क्रेडिट द पर्सन टू हुम मनी इज पेबल, ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट करो जिनको पैसे देने हैं, याकूब, तो क्या हो जाएगा याकूब्स अकाउंट 50,000, याकूब्स अकाउंट 50,000, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू याकूब्स अकाउंट 50,000, लेकिन नारेशन आएगा बिंग बिल डिसऑनर्ड, नारेशन क्या आएगा बिंग बिल डिसऑनर्ड, बिंग बिल डिसऑनर्ड, क्या एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू याकूब्स अकाउंट, पैसा दिया तो कैश में क्रेडिट, नहीं दिया तो ड्रॉवर में क्रेडिट, सिंपल, लेकिन बिल्स पेबल में डेबिट तो होगा ही होगा। अब याकूब के बुक में डिसऑनर की एंट्री भी करना पड़ेगा, डिसऑनर हुआ याकूब को पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला मानता हूं, लेकिन जो बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट सजा के रखे थे बुक्स में, एसेट तो खत्म हो गया, तो एसेट को खत्म करना है, तो खत्म करना है मतलब क्या करना पड़ेगा उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, सही है, और पैसा लेने का है, पैसा क्या करना है लेने, किससे लेने का है, ड्रॉई से, नाम रोहित, रोहित से पैसे लेना है, क्या बोलते हो अकाउंट में, डेबिट द पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, जिससे पैसा रिसीवेबल है उसको क्या करो डेबिट, इसलिए क्या करेगा रोहित, रोहित अकाउंट डेबिट 50,000, रोहित अकाउंट डेबिट 50,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000,
तो इसको क्रिएट क्यों किया, वो सिंपल है, ये बिल्स रिसीवेबल नाम का डेबिट डाल के रखा था अकाउंट में, इसको क्रिएट कर दिया हमने, तो ये बिल्स रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि बिल मैच्योर हो गया, और रोहित को फिर से डेबिट कर दिया क्योंकि रोहित से पैसा लेना बाकी है। नरेशन लिखो बींग बिल डिसऑनर्ड, नरेशन लिखो बींग बिल डिसऑनर्ड। डिसऑनर इंटरव्यू रोहित अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ऑनर हो गया तो पैसे मिल गए थे इसलिए इंटरव्यू थी कैश टू बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल में तो क्रेडिट होना ही होना है क्योंकि बिल खत्म हो गया, मैच्योर हो गया, एक्सपायर हो गया, डेथ हो गया। समझ में बात, बच्चों ध्यान देना, एक भी जगह मैंने, हाँ बोलो किरात बोलो सर, अगर बिल ड्यू हो गया और हमने पैसे नहीं दिए, मतलब कि इन द सेंस डिसऑनर हो गया, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी मानी जाएगी उसके बाद भी? नहीं, लायबिलिटी तो मानी जाएगी लेकिन याकूब के लिए लायबिलिटी होगी ना, वो मतलब रोहित को याकूब को देना है, तो रोहित के बुक्स में याकूब के लिए क्रेडिट कर दिया हमने कि ये पैसा याकूब को देना है 50,000, लेकिन जो बिल का नाम का लायबिलिटी था वो तो खत्म हो गया, बिल के नाम का जो लायबिलिटी था वो खत्म हो गया। यस, उसका ड्यूरेशन कितना था बिल का, 4 मंथ, इसलिए हमने बिल को खत्म कर दिया, डेबिट कर दिया, पैसा देना है याकूब को, याकूब को क्रेडिट कर दिया, इधर लेना है रोहित से इसलिए रोहित को डेबिट कर दिया, लेकिन बिल को खत्म कर दिया। ये असेट भी था हमारा, देखो असेट, ये 50,000 असेट हमने खत्म कर दिया, बिल से हमने डेबिट और बिल से हमने क्रेडिट, ये खत्म हो गया। तो अगर 4 महीने हो गए तो बिल का नाम हमारे बुक्स में हट जाना चाहिए, बिल का नाम हमारे बुक्स में नहीं रहेगा क्योंकि उसका लाइफ खत्म हो गया 4 महीने बाद। समझ गया? यस सर। सिंपल है, बस ये छोटा yes. सा आज का क्वेश्चन था समझाने के लिए आपको क्या होता है बिजनेस विषय। अब इसमें और वेरिएशंस और वेरिएंट्स और इसका लेंथ और बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें इसमें आएगी, अपने देखते जाना धीरे धीरे, बट बेसिकली करना क्या है इसमें, जर्नल एंट्रीज करना है, एक स्पेसिफिक चीज की, एक स्पेसिफिक टॉपिक की जर्नल एंट्री हमको करना है इसमें, बस इतना ध्यान रहे। और कोई पॉइंट किसी का, और कोई दिक्कत? नो सर। गुड, बढ़िया, ओके। अभी इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा वो होमवर्क, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, कोई दो, कोई एक ड्रॉवर रहेगा, कोई ड्रॉई रहेगा, कुछ उनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा, आपको क्या करना है उसकी जर्नल एंट्री करना है। फाइन, करेंगे आप दोनों प्रकार से करेंगे, ऑनर हुआ तो क्या और डिसऑनर हुआ तो क्या। फाइन, मैं ग्रुप में डालूंगा, आप उसको जरूर करिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप में से बहुत लोगों को पता है लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ, सो दैट बाकी लोग जो नए लोग जुड़े हैं उनको समझ जाए बात। ये जो लेक्चर्स है ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो हमसे तो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, चाहे आप ऑफलाइन जब शुरू होगा गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन आने के बाद, फेस टू फेस जब शुरू होगा क्लासरूम में, तब भी लेक्चर